तो लीजिए, माइनक्राफ्ट का एक और स्नैपशॉट आ चुका है जिसमें किए गए हैं कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस। जैसे ग्रिमस्टोन बन गया है डीप स्लेट और इसके अपने नए ओर के टेक्सचर्स आ चुके हैं। वैसे पिछले बार के ओर के टेक्सचर्स में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, लेकिन अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं डीप स्लेट ओर्स, यानी कि गोल्ड ओर फॉर एग्जांपल, अगर वो नॉर्मल स्टोन में है तो उसका टेक्सचर कुछ अलग होगा, और अगर वो डीप स्लेट के अंदर पाया जाता है कि बीच में पाया जाता है तो उसका टेक्सचर कुछ अलग होगा। यही नहीं, डीप स्लेट के ओर्स के अपने अलग साउंड इफेक्ट्स हैं। अभी हम एक एक करके हर एक ओर को देखेंगे। और एक और बात, डीप स्लेट ओर्स को थोड़ा और टाइम लगता है माइन करने में नॉर्मल ओर्स की तुलना में। इसके अलावा वर्ल्ड जनरेशन में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि पहले वाले जो नॉर्मल केव्स होते थे अब वो Y=0 के बिलो जनरेट नहीं होंगे। तो चलिए अब एक एक करके इनको देखते हैं। तो ये है ग्रीन स्टोन था जो पहले, अब ये डीप स्लेट हो चुका है। तो इसमें होवर करेंगे तो आपको दिखेगा ये डीप स्लेट है। इस ब्लॉक का नाम चेंज कर दिया गया है, अब इसको माइन आप करेंगे तो आपको मिलेगा कोबल्ट डीप स्लेट। जैसे कि हम नॉर्मल स्टोन को माइन करते हैं तो हमको कोबल्ट स्टोन मिलता है, वैसे ही हम डीप स्लेट को माइन करेंगे तो हमको कोबल्ट डीप स्लेट मिलेगा। इसके अलावा ये है जो कि है पॉलिश डीप स्लेट, ये ब्लॉक टफ है, इनफैक्ट इसका साउंड इफेक्ट कुछ अलग ही है। अब हम देखेंगे ओर्स को, तो सबसे पहले गोल्ड ओर। तो देखिए नॉर्मल जो गोल्ड ओर है ये कुछ इस तरीके का दिखता है। इसके टेक्सचर में और काफ़ी चेंजेस किए गए हैं जो पिछले बार से थोड़े से अलग है। अब ये है डीप स्लेट गोल्ड ओर, देखिए काफ़ी डार्क टेक्सचर है इसका, और पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये पहले वाले से काफ़ी बेटर है। वैसे ये आयरन ओर है, इसमें भी थोड़े चेंजेस किए गए हैं पिछले बार से, और इसके बाद है ये डीप स्लेट आयरन ओर। मुझे पर्सनली जो डीप स्लेट ओर्स है काफ़ी पसंद आ रहे हैं। तो ये कॉपर है हमारा, कॉपर में ये ग्रीन कलर के बीच बीच में पैचेस लगाए गए हैं जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं थे, जिससे इसका टेक्सचर अब काफ़ी ज़्यादा यूनिक हो चुका है। अब बाकी बचे जो ब्लॉक्स हैं उसको भी हम देख लेते हैं जो ओर्स हैं, जैसे कि लैपिस का ओर्स है, उसके अलावा डायमंड के ओर्स में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। सॉरी, डायमंड के ओर्स तो बिल्कुल सेम है, बस उसमें डीप स्लेट ओर्स भी ऐड कर दिए गए हैं। उसके अलावा थोड़े बहुत चेंजेस जो किए गए हैं वो एमराल्ड के ओर्स में किए गए हैं। उसके अलावा रेड स्टोन के जो ओर्स हैं वो काफ़ी चेंजेस दिख रहे हैं उसमें, उसका भी डीप स्लेट ओर्स का वेरिएंट आ चुका है। जो हमारा कोल है वो तो नॉर्मल ही है, इसके अलावा मुझे और कुछ दिख नहीं रहा है। ओके, तो बाकी ओर्स को भी देख लेते हैं। जैसे मेरे पास अभी है कोल का ओर, तो इसको देखते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस इसमें किए गए हैं पहले बार से। उसके अलावा मेरे पास लैपिस है, तो लैपिस को एक बार लगा के देखते हैं। तो इसके भी ओर्स में काफ़ी चेंजेस है पुराने टेक्सचर से। ये इसका डीप स्लेट वाला जो वर्जन है ये है, थोड़े डार्क कलर में मस्त लग रहा है। उसके बाद ये डायमंड है, डायमंड का ये डीप स्लेट वर्जन है, ये भी काफ़ी बहुत ही अच्छा लग रहा है। बल्कि ये रेड स्टोन ओर है, इसमें भी चेंजेस किए गए हैं और ये उसका डीप स्लेट वर्जन है। और ये है अपना एमराल्ड, देखिए थोड़े बहुत चेंजेस तो एमराल्ड में भी किए गए हैं ओर्स में। ये मैग्मा ब्लॉक है लेकिन ये एकदम सेम है। अब टेक्सचर तो आपने देख लिया, साइड बाय साइड कंपैरिजन भी देख लिया। अब हम एक काम करते हैं कि पिकएक्स लेके इसे माइन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि दोनों में कितना टाइम डिफरेंस है। और आपको ये भी पता चलेगा माइन करते समय दोनों के साउंड में काफ़ी ज़्यादा अंतर भी है। जैसे अभी मैंने लिया है ये स्टोन का पिकेक्स, इसमें हम आयरन को माइन करके देखेंगे, फिर डीप स्लेट वाले ओर को माइन करके देखेंगे। तो नॉर्मल को जैसे हम माइन करते हैं तो ये तो नॉर्मल साउंड के साथ माइन होता है, पर जब हम इसको माइन करते हैं तो इसका साउंड इफेक्ट कुछ अलग ही है। इनफैक्ट जब हम डीप स्लेट वाले ओर को माइन करते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है इसे। अब हम बाकी ओर्स को भी एक बार देख लेते हैं। अब साउंड पर ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ उसी टाइप का साउंड है जैसा कि हम स्पंज को माइन करते हैं उस समय लगता है। इसको माइन करते समय ऐसा लगता है कि इसमें कुछ गीलापन है।
अब इस अपडेट में एक चीज और चेंज की गई है कि जो केव के साइज थे उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है। अब आपको और बड़े और चौड़े केव्स दिखाई देंगे। जैसे पानी वाला केव है, देखिए इसमें पूरा पानी भरा हुआ है और इसकी ओपनिंग सीधे ऊपर से है, एक विलेज के पास में इसकी ओपनिंग है। ऐसे पानी वाले केव्स में डायरेक्टली आप ऊपर से आकर अंदर केव के अंदर जा सकते हैं। उसके अलावा जो एक मेजर चेंजेस किए गए हैं वो है कैनियंस में, या आप जिन्हें क्रैक्स भी बोल सकते हैं, जो आपको विलेज के पास में या फिर कई जगह आपको बड़े बड़े खाई दिखाई देते थे, वो खाई में भी काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। जैसे मैं आपको एक में ले जाके चलता हूँ। जो अभी के क्रैक्स या कैनियंस जिसको बोल सकते हैं, उनके जनरेशन में थोड़े सा चेंजेस किए गए हैं। इसमें अब स्ट्रेट एकदम सीधे सीधे आपको लाइंस दिखाई देंगे। ये देखिए, जैसे एक कैनियन में जाता हूँ तो इस टाइप के कैनियन आपको दिखाई देंगे। ये एकदम खाली है, इसमें पानी वानी कुछ नहीं है, ना ही लावा है, तो ऐसे आपको खाली खाली जो ट्रेंच है वो दिखाई देंगे। और ऐसे जो ट्रेंच है इसके ओपनिंग में आपको यूनिक चीज़ दिख जाएगी, जो कि ये है। ये एक एमेथिस्ट जियोट्स है, जो आपको पहले केवल केव्स के अंदर मिलता था, अब ऐसे जो ट्रेंच है उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। तो इन ट्रेंचेस को थोड़े से रिवैम्प किया गया है। देखिए इसके डिजाइंस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं, तो अब ये ओपनिंग आपको ऐसे दिख जाएगी, जिससे इन ट्रेंचेस का जो जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। ये जो ट्रेंचेस है आपको y इज इक्वल टू जीरो के बिलो भी आपको दिखेगा, यानी ग्राउंड के अंदर भी आपको दिखेगा। तो ग्राउंड के अंदर आपको ऐसे बड़े बड़े केव्स मिल जाएंगे, यानी ट्रेंचेस मिल जाएंगे, जिसके अंदर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसकी ओपनिंग रहेगी, बाहर से ओपनिंग रहेगी, जिसमें लाइट आता रहेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस केव्स में, इस ट्रेंच में ऐसे जियोट्स भी दिख सकते हैं, जो कि काम की चीज़ है, जो पहले सिर्फ केव्स के ओपनिंग में ही दिखती थी, तो अभी आपको ऐसे ये ओपन में भी दिख सकती है, जहां आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहले इसमें एक लेयर होती थी जिसे टफ कहते थे, अब वो टफ में चेंज हो चुकी है, उसे स्मूथ बेसाल्ट में चेंज कर दिया गया है। अब एक काम करते हैं कि हम किसी केव को एक्सप्लोर करके देखते हैं। तो ये न्यूली जनरेटेड केव सिस्टम का केव है, जिसके अंदर हम अब एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा है, आपको खूब सारे टॉर्चेस ले जाने की ज़रूरत है, और इसके अंदर आपको ये जो नए डीप स्लेट वाले जो ब्लॉक है वो दिख रहे होंगे। देखिए यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टेक्सचर्स के हैं, तो इसमें हम ओर्स ढूंढते हैं कहाँ पर है। और यहाँ पर मुझे अभी भी दिख रहे हैं अलग से, वो स्पाइडर अलग दिख रहा है, और मॉब्स की आवाज़ें भी आ रही है। मतलब अभी का जो केव सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा अंधेरे वाला और काफ़ी डरावना हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर एक मॉब आ रहा है, तो ओ मैं कहाँ गिर गया। तो इसके अंदर आपको छोटे छोटे ऐसे केव्स भी मिलेंगे जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ से जाने पर देखते हैं हमें कोई और दिखता है कि नहीं। तो यहाँ और डीप जा रहा है ये, तो यहाँ जाके देखते हैं। ओ यहाँ पर मुझे और मिला है, तो ये रेडस्टोन की और है, इसको भी माइन कर लेते हैं हम। इसका साउंड एकदम ही अलग है, तो ये सबको हम जल्दी से एक्सप्लोर कर लेते हैं, माइन कर लेते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये केव कहाँ ओपन होता है। ओके तो यहाँ जाके ओपन हो रहा है ये। मतलब देख रहे हैं कितना ज़्यादा डरावना लग रहा है, पूरी तरीके से अंधेरा है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ क्रीपर आ रहा है, हमने एक चीज गौर किया, फुटस्टेप्स की आवाजें आ रही थी। अभी क्रीपर की थी या और किसी मॉब की थी समझ नहीं आया, लेकिन इस ब्लॉक पे चलने की क्लियर आवाज़ आ रही थी। तो एक काम करते हैं, अभी हम इस केव से बाहर निकलते हैं, ये ओपनिंग है। तो यहाँ और भी रेडस्टोन के जो ओर्स हैं वो दिख रहे हैं मुझे, और इधर हम एक्सप्लोर करते हैं कहीं डायमंड मिल जाए, लेकिन यहाँ गोल्ड के ओर भी दिख गए मुझे। यहाँ एक और जॉम्बी आ रहा है। तो यहाँ खेलना उतना भी ज़्यादा खतरनाक नहीं है, ये काफ़ी वाइड ओपनिंग है जिसमें आपको दूर से ही मॉब आते दिखाई देंगे। बट ये है कि इन केव्स में आपको खूब सारी टॉर्चेस ले जानी पड़ेगी, या फिर आप ऐसा काम कर सकते हैं कि आप नाइट विजन का पोशन पी के आ सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इन केव्स को एक्सप्लोर करने के लिए। अदरवाइज यहाँ पूरी तरीके से अंधेरा है, और यहाँ ऐसे स्केलेटन आपको आसानी से निशाना बना सकते हैं, क्योंकि आप ओपन केव्स में घूम रहे होते हैं। और वाकई इनका निशाना काफ़ी तगड़ा कर दिया गया है, एक भी एरो इनसे मिस नहीं हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि भाई इस केव्स को थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए, क्या बोलते हैं एक आध एपिसोड इसके ऊपर बनाया जाए कि जिसमें पूरे केव सिस्टम को घूमा जाए हमको।
तो क्या है आपके थॉट्स, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।